आपके साथ लीना खान और इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस टीवी का फेसबुक लाइव। जैसा कि सरकार का दो दिन का मैंने कल भी आपको दिखाया था शहर फिरोजाबाद का नज़ारा। जैसा कि सरकार का दो दिन का लॉकडाउन रहता है, मिनी लॉकडाउन, जो शनिवार और रविवार को रहता है। आज जैसा कि रविवार है और इस वक्त हम खड़े हैं सैलई चौराहे पर, फिरोजाबाद के सैलई चौराहे पर, और आज हम दिखाएंगे कि फिरोजाबाद में किस तरह से आज के लॉकडाउन का, आज जो मिनी लॉकडाउन है, रविवार है, जैसा कि आज किस तरह से पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सैलई चौराहा है और सैलई चौराहे से हम लेके चलेंगे आपको फिरोजाबाद के शाही इमामबाड़े पर, और वहाँ का भी आज जैसे कि त्यौहार भी है, मुस्लिम समुदाय का आज मुहर्रम का त्यौहार भी है, तो हम वहाँ भी दिखाएंगे किस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, किस तरह से ये लोग त्यौहार का भी पालन कर रहे हैं। और जैसे कि ये सैलई चौराहे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो लॉकडाउन है, आज किस लॉकडाउन पे किस तरह से लोग आज के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग यहाँ मास्क पहने हुए नज़र आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि लोगों का सामान्य रूप से जो आवागमन है वो जारी है, और आप देख सकते हैं कि थ्री व्हीलर भी यहाँ लगातार चल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। और सबसे ख़ास बात ये हमें यहाँ देखने को मिली, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि लोग यहाँ मास्क नहीं पहने हुए, बहुत गलत बात है। कल भी फिरोजाबाद में 40 मरीज कोरोना संक्रमित निकले हैं, और सरकार दो दिन का जो लॉकडाउन लगाती है तो कहीं ना कहीं ये सोचकर लगाती है कि जो पेशेंट है वो कम हो, इस दो दिन में लोग अच्छे से इसके दो दिन के लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन यहाँ किसी भी तरीके से लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, और यहाँ सैलई चौराहे पे पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात रहे हैं, काफ़ी अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। और अब हम फिरोजाबाद का लेके चलेंगे आपको शाही इमामबाड़ा, और वहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरह से आज त्यौहार, जैसे कि आज मुहर्रम का त्यौहार है, किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। फिरोजाबाद की अलग अलग नज़ारों को मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं कि कुछ मेडिकल स्टोर भी यहाँ खुले हुए हैं और पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात हैं। साथ ही सबसे बड़े दुख की बात हमें जगह जगह ये देखने को मिलती है कि जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है फिरोजाबाद में। जैसे कि कल भी मैंने बताया, ये ऑटो जा रहा है, बाइक सवार लोग भी जा रहे हैं बिना मास्क के जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, हमेशा मुझे देखने को मिलती है और मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का आवागमन है, और आज जैसे कि रविवार है और लॉकडाउन का ये दूसरा दिन है, तो किस तरह से फिरोजाबाद में लॉकडाउन का पालन हो रहा है। मैंने कल भी आप लोग को दिखाया था किस तरह से लोग निकल रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ दुकानें भी खुली हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें भी खुली हैं, लेकिन लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, और कल भी जैसा कोरोना रिपोर्ट आई थी तो उसमें बहुत दुख की बात है कि फिरोजाबाद में 40 मरीज निकले, उसके बाद भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और दो दिन के सरकार के जो मिनी लॉकडाउन है उसका पालन आप देख सकते हैं कितनी सख्ती से हो रहा है और कितनी सख्ती से नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी के भी मास्क नहीं लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंस भी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, लोग बिंदास होकर बैठे हैं। आखिर ऐसा लग रहा है लोगों को कि कोरोना चला गया, जबकि कोरोना नहीं गया अभी। कोरोना जैसी घातक बीमारी है हमारे देश में, हमारे फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कितने मरीज फिरोजाबाद में संक्रमित निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और सबसे दुख ये छोटे छोटे बच्चे भी बाइकों पर बैठ के जाते हैं, लेकिन लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ दिन दो तीन दिन पहले ये दिखाया था कि एक 2 साल की बच्ची
कोरोना संक्रमित पाई गई थी, तो ये इसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं जब उसके माता पिता मास्क का या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो बच्ची छोटी सी मास्क कोरोना संक्रमित पाई गई। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है हमें, और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाइकों पे जा रहे हैं, पर इन लोगों के मास्क नहीं हैं, लोग आपस में सट कर एक दूसरे से बैठे होते हैं, कुछ दुकानें भी यहाँ खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि अब आप लोग खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कोरोना का पालन हो रहा है और किन किन जगहों पे हो रहा है, ये आपको हम खुद दिखा रहे हैं। कुछ युवतियाँ भी हैं यहाँ निकल कर जा रही हैं, लेकिन मास्क का प्रयोग नहीं है। ऑटो चालक, ई रिक्शा वाले भी मास्क नहीं पहने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ, अपना नहीं ख्याल तो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं है उन्हें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानें खुली हुई हैं, और जैसा कि आज मुहर्रम का पर्व है, मुहर्रम का ये गमगीन त्यौहार है, और वैसे भी सभी त्यौहार खराब से हो गए हैं कोरोना काल में, आपको हमने दिखाया और जिस तरह से बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रोड है 60 फुटा रोड है, और यहाँ पर किस तरह से लोग कोरोना का, जो कोरोना है उसका पालन कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, बाइक सवार लोग भी नहीं लगा रहे हैं मास्क, ये बहुत दुख की बात है। और दुकानें खुली हुई हैं, ये बहुत विशेषकर मुझे देखकर हैरानी है कि सरकार के 2 दिन के लॉकडाउन का किस तरह से पालन किया जा रहा है, किस तरीके से दुकानें खुली हुई हैं। कुछ ज़रूरी सामान है, मोबाइल की दुकानें तक खुली हुई हैं, बहुत गलत बात है। कुछ ज़रूरी जैसे कि सब्जी या मेडिकल्स की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन इस तरह से ये बेड़ी कचौड़ी की दुकानें खुली हैं, बहुत गलत बात है। और हम पहुंच चुके हैं नगला बरी चौराहे पर, और कुछ देर तक हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे, मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं। और आज जैसा कि रविवार है, लॉकडाउन का दूसरा दिन है, तो किस तरीके से लोग पालन कर रहे हैं, लोगों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है, बिना मास्क के ही लोग निकल पड़े हैं, और कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगी फिरोजाबाद की और जगहों पर। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बिना मास्क का, मास्क के निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत बात है। इस पर मैं लोगों को बिल्कुल भी कोरोना से डर नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे भी महिलाओं के साथ निकल कर जाते हैं, बड़ों के साथ, लेकिन मास्क नहीं लगाए होते ये लोग बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाहर बैठे हुए हैं, पर मास्क नहीं है इनके चेहरों पर। और जैसा कि अब मैं यहाँ आपको ये दिखा रही हूँ शीतल खान रोड का नज़ारा, और शीतल खान रोड पर किस तरह से कुछ लोग तो बिना मास्क के ही बैठे हुए हैं, और दुकानें भी खुली हुई हैं कुछ, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि कितना सख्ती से पालन किया जा रहा है सरकार के मिनी लॉकडाउन का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं, जो दुकानें खुलनी चाहिए वो भी, और जो नहीं खुलनी चाहिए वो भी दुकानें खुली हुई हैं, और लोग बिना मास्क के ही, ये बहुत दिक्कत। मैं बार बार लोगों से अपील करती हूँ, बाइक वाले किस तरह से बिना मास्क के ही लोग, कुछ यहाँ बैठे हुए भी हैं पर इनके मास्क नहीं लगाए लोगों को, इस कुछ लोग, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग मास्क नहीं लगाते, कुछ लोग अभी ऐसे भी गुजरे यहाँ से जिनके खुद के भी मास्क लगा, अपने बच्चों के भी लगाए, तो ये भी अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगा के बैठते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग पता नहीं इस चीज़ को गंभीर पूर्वक नहीं ले रहे हैं, बाइकों पे आराम से निकल रहे हैं लोग, धड़ल्ले से आ जा रहे हैं लोग जहाँ जगह जगह, लेकिन मास्क कोई नहीं लगाया,
आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी अच्छे से अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। और जैसा कि सभी जगहों पे हमने दिखाया, और मेरे साथ चलते रहिए और भी फिरोजाबाद की जगहों को मैं दिखाऊंगी। अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं किस तरह से अब हम आपको लेकर चलते हैं फिरोज़ाबाद के शाही इमामबाड़े में। और जैसा कि आज फिरोज़ाबाद, आज जैसा कि मुहर्रम का पर्व है, तो किस तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है, कितनी सावधानी से, कोरोना काल भी चल रहा है। तो अब दिखाते हैं, कुछ लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग तो मास्क नहीं पहने हैं। और काफ़ी यहाँ तो लगभग शांति है, खाली है, गलियाँ हैं, अंदर गलियों में मैं चल रही हूँ। और काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। अच्छा लगता है, आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को रखिए, काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे लोग तो मास्क का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो मास्क पहन कर नहीं जाते हैं, धड़ल्ले से निकलते हैं। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। हम लोग लोगों को हमेशा जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते हैं। और जैसा कि मैं लगभग पहुँच चुकी हूँ फिरोज़ाबाद के शाही इमामबाड़े पर, और यहाँ हम जानेंगे किस तरह से लोग किस तरह से कोरोना काल में त्यौहार को भी मना रहे हैं, और कितना लोग कोरोना से बच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सभी चीज़ें लगभग बंद हैं। और हम पहुँच चुके हैं फिरोज़ाबाद के शाही इमामबाड़े पे, और यहाँ कुछ लोग बिना मास्क के, जैसे कि बताया मैंने आपको, बैठे हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने फिरोज़ाबाद की स्थिति आपको दिखाई, लेकिन अभी कुछ देर के लिए मैं आपसे थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अंदर किस तरह से माहौल चल रहा है, जैसे कि मुहर्रम का पर्व है तो हम देखते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, बने रहिए, जब तक देखते रहिए वॉइस टीवी।